और हम लोग बहुत खुश हैं, उनका शादी हो रहा है, लेकिन हम लोग को भी इनविटेशन कार्ड मिलना चाहिए था। नहीं मिला है? नहीं, नहीं मिला। तो उनके लिए कुछ कहेंगे क्या? हाँ, कहेंगे कि आप तो शादी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लड़कियों का दिल टूटा है, बहुत लड़कियाँ उनकी क्रश रह चुकी है। हाँ, तेजस्वी की शादी हो रही है। तेजस्वी? हाँ, ये मुझे मालूम नहीं था। अच्छा। बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप अपने मैरिटल लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें और थोड़ा देश पे भी ध्यान दें, थोड़ा देश के लिए कुछ करें, ये हम लोग चाहते हैं। थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए भी करें, हम लोग के आगे करियर के लिए भी कुछ सोचें उनके लिए। के लिए क्या कहेंगे, आप तो कुछ नहीं कहेंगे, उनकी मैरिज लाइफ हैप्पी हो, उनके बड़े भाई की तरह ना हो, मुरलीधर की तरह वो भी मुरलीधर ना बन जाए, और क्या बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं पंकज कुमार। आज पटना के जे डी वीमेंस कॉलेज आए हैं, यहां पे कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज तेजस्वी की शादी हो रही है। तेजस्वी? हाँ, ये मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, आज तेजस्वी की शादी है, आप उसको कैसे देखते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कोई मैं उनको पर्सनली जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ खास संदेश नहीं दूंगी। हाँ, वो अपने दिन को इंजॉय करे, जैसे हर कोई अपना दिन इंजॉय करता है। क्या नाम हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? उपासना। आपका क्या नाम हुआ? रितिका। रितिका, ये बताइए, आज तेजस्वी की शादी है, उसको आप कैसे देखते हैं? उनकी लाइफ की न्यू जर्नी है, मैं यही चाहती हूँ कि वो अपने न्यू लाइफ को अच्छे से जिए और उनका खुशमय लाइफ बीते, और आगे जो उनका पॉलिटिकल करियर है वो भी उनको अच्छे से करना चाहिए, ताकि वो हम लोग के सपोर्ट में रहे, हम गर्ल्स लोग के सपोर्ट में रहे, हम अच्छा तरक्की करें उन लोग के सपोर्ट के कारण। चलिए, आपका क्या राय है, आज तेजस्वी की शादी है, किसकी शादी है? तेजस्वी यादव की शादी है। हाँ, आपका क्या राय है शादी की? उनको शादी कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप अपने मैरिटल लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें और थोड़ा देश पे भी ध्यान दें, थोड़ा देश के लिए कुछ करें, ये हम लोग चाहते हैं। थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए भी करें, हम लोग के आगे करियर के लिए भी कुछ सोचें उनके लिए यही। अच्छा, तेजस्वी यादव की शादी है, आज आप लोग को इन्वाइट मिला है या नहीं? जी नहीं, निमंत्रण तो नहीं आया। अब पूड़ी खाने का तो बहुत मन था, ताकि हम लोग वहाँ पहुँचे, पूड़ी पनीर खाए, ये भी स्पंज खाने वाली थी, खाने वाले थे, पर निमंत्रण मिला ही नहीं हम लोग को। हाँ, क्या उनके लिए कहेंगे? तो उनके लिए क्या कहेंगे, अब तो कुछ नहीं कहेंगे, उनकी मैरिज लाइफ हैप्पी हो, उनके बड़े भाई की तरह ना हो, मुरलीधर की तरह वो भी मुरलीधर ना बन जाए, और क्या बोले। आपका क्या राय है? यही कि ठीक है, उनका भी शादी हो रहा है और वो भी खुश रहे, खुशहाल रहे अपने बड़े भाई की तरह, वो भी 2-3 मंथ में जाके काशी विश्वनाथ ना बैठ जाए, वो भी फूकने ना लगे गांजा वांजा, मतलब उनके तरह ना बने, अपनी वाइफ को खुश रखें। हाँ, कबीर सिंह ना बन जाए। क्या बोली? बोले वो भी कबीर सिंह ना बन जाए, वो उनकी लाइफ अच्छी हो, लेकिन हाँ अब अपने बड़े भाई की तरह वो ना निकले, नहीं तो वही होगा, एक भाई उधर है, एक भाई कबीर सिंह फिर से बन गया है। क्या कोई ज्योतिषी भी कहा है कि शायद उनकी शादी के बाद उनको राजयोग मिलने वाला है, वो मुख्यमंत्री? ज्योतिषी तो हर चीज़ बोलता है, लेकिन अब वो तो कहलाने के लिए लालू का बेटा है, लेकिन लड़की तो छोड़ के भाग ही ना गई, तो ये भी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या बोल रही है? मैं बोल रही हूँ लड़के अगर भागी है तो कुछ तो फॉल्ट होगा उस लड़के में कि हाँ वो लड़की भागी। कौन सी लड़की भागी? ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ वो लड़की भाग गया। कौन सी लड़की? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या तो तेजस्वी की बीवी नहीं थी? तेजस्वी की बेबी जो नाम नहीं पता मुझे एक्चुअली, बट जो भागी हैं वो कुछ तो फॉल्ट होगा उनमें कि हाँ जैसे भागी छोड़ के, अगर वो अपने बड़े भाई के जैसे अगर वो भी ऐसा करने लगे। निमंत्रण दिए ही नहीं है, चुनाव टाइम लड्डू बंटवा रहे थे और लड्डू का तो कोई फायदा हुआ नहीं, और जितने के चक्कर में लड्डू बंटवा रहे थे और मैरिज के टाइम निमंत्रण नहीं दिए हैं। तो देखिए, अभी हम जे डी वेंस कॉलेज में आए थे और यहाँ पे कुछ लड़कियों का कहना है कि बिहार की लड़कियों को इन्विटेशन नहीं दिए हैं और चुनाव के टाइम में लड्डू बांट रहे थे, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, अगर मान लें चुनाव के टाइम में फिर आते हैं, आपको वोट देना पड़े तो किसको देंगे? नहीं देंगे उनको। क्यों? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हाँ, जो अच्छा करेगा हमारे कंट्री के लिए, हमारे राज्य के लिए, बिहार के लिए, हम उनको देंगे। तेजस्वी यादव अच्छा नहीं करेगा आज बिहार की लड़की? ज्यादा वो नहीं नहीं, क्या अच्छा करे? हाँ, बिहार तो पिछड़ा राज्य क्यों है? नीतीश कुमार की वजह से लड़की सब आगे बढ़ी।
हाँ, आज नीतीश कुमार की वजह से आज हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी तो बिहार बहुत पीछे है, पीछे पर पहले से धीरे धीरे हो रहा है विकसित, पर पहले जैसा नहीं है। अब तो बहुत, अब तो लड़कियाँ निकल पाते हैं, ये दारू वगैरह जो भी था उनके वजह से बंद हुआ, तो खुलेआम दारू बंद है बिहार में। हाँ, बिहार में दारू बंद है। हाँ, अब ये जो पीते हैं लेकिन खुल्लाम तो रोड पे नहीं घूमते हैं ना, तो वो हमारे लिए डर था। ये अभी उनके मन में डर है तो छिप के पीते हैं, हमें कुछ कर नहीं सकते, दारू पी के, ताकि उनके मन में डर है। जेडीवेंस कॉलेज में ही है और एक और भी बच्चे हैं, बताइए क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, आज तेजस्वी की शादी है, अचानक से आप लोग को इन्वाइट मिला है क्या? नहीं। आप उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशन शादी के लिए और बस। आप? मेरा नाम रोशनी है और हम लोग बहुत खुश हैं, उनका शादी हो रहा है, लेकिन हम लोग को भी इनविटेशन कार्ड मिलना चाहिए था। नहीं मिला है? नहीं मिला। तो उनके लिए कुछ कहेंगे क्या? हाँ, कहेंगे कि आप तो शादी कर रहे हैं लेकिन बहुत लड़कियों का दिल टूटा है, बहुत लड़कियाँ उनकी क्रश रह चुकी है। हाँ। अच्छा, क्या होगा शादी हो जाने के बाद? दिल टूट जाएगा और जाकर वो लोग जलेबी पूरी खाएंगे और क्या। चलिए, इनका कहना है कि बहुत लड़कियों का दिल टूट जाएगा और जाकर जलेबी पूरी खाएंगे।